इसकी टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त थी टाई हो गई है। दोनों को हम इसी तरह निकाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, राज फूड केविंग में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भी एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। सोचा कि आपसे फ़िश की रेसिपी जो है वो शेयर की जाए। तो मैं कैसे फ़िश बनाती हूँ आज मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और पूरी वीडियो मेरी देखनी है और मिस नहीं करना मेरी वीडियो को, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ बहुत प्यार से बनाती हूँ कि यार मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे देखेंगे। तो मैंने कहा कि चलें आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो सुनाएं कैसे हैं आप लोग, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं शेयर करते हैं, फ्री में होता है यार, प्लीज़ कर दिया करें, आपका क्या जाता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, कीन करें, इतनी 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 सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बातें मुझे बहुत सारी आती हैं, तो बातें और मैं आपके साथ करती रहूँगी इंशाल्लाह। इस वीकेंड जो लास्ट वीकेंड गुजरा सैटरडे को मैं लाइव नहीं आ सकी थी, थोड़ी मेरी सेहत जो थी वो डाउन थी, थोड़ा फीवर था, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ सकी थी। इंशाल्लाह इस सैटरडे को ज़रूर लाइव आऊँगी, अगर आना हुआ तो मैं आपको फेसबुक पेज और वहाँ पर जो है वो मैसेज कर दूँगी ताकि आप लोगों को पता लग जाए। तो और सुनाए सब कैसे हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश हूँ। और यकीन करें कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार हम लोग लेडीज़ जो हैं कि हम लोगों की वही रूटीन है। कभी मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करूँगी, अपनी जो डेली रूटीन होती है मेरी, तो मैं यही सोच रही थी कि अभी मेरे हस्बैंड सामने ही बैठे हुए वो हंस रहे, वो कह रहे हैं कि जी ये देखो ज़रा कैसे बातें करी अपने व्यूअर्स के साथ। भाई मेरी फैमिली है, मैं क्या करूं। तो मैं आपके साथ बातें करी थी, मैं कह रही थी कि हस्बैंड्स कितने अच्छे होते हैं यार, उनको एक जॉब करनी पड़ती है बस, जो ऑफिस उनकी जॉब होती है। हम लेडीज़ हैं, सुबह भी जॉब पर जाती हैं, घर में भी जॉब होती है, शाम की जो सबसे जो टेंशन होती है ना कुकिंग की, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यार क्या कुक करना है, और कुकिंग भी ऐसी हो कि अच्छी होनी चाहिए ताकि शेयर भी करूँ आपके साथ। रेसिपी का होता है कि यार अच्छी सी रेसिपी बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो जी इब्राहिम कह रहे हैं मम्मा मेरे जो है ना वो इसका गिफ्ट आया हुआ है हेलीकॉप्टर्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इब्राहिम खेल रहा है, इब्राहिम के जो एयर जेट्स हैं वो सारे रेडी हैं जी, सब जो हैं वो फ्लाई कर गए हैं। इब्राहिम ने इन सब के नाम रखे हुए हैं, कहते हैं मम्मा क्या नाम रखे हैं? इब्राहिम आए ज़रा बताएं इनके क्या नाम है। ये है 18 जेट, जो सबसे बड़ा इसमें जहाज होता है उसमें जो उड़ाते हैं ना, उनका ही सबसे बड़ा आर्मी वालों का जहाज होता है। अच्छा ये है, ये है 19, नहीं नहीं इसका नाम है आर्मी 6। इसका कलर कितना प्यारा है ना इब्राहिम। हाँ जी 6 है। और ये है फाइटिंग 18 फाइट, ये है गुड स्टार लक फाइटिंग। वाह इब्राहिम एक्सीलेंट यार, आज इब्राहिम ने एक छोटी सी क्रिएटिविटी की है, मैं आपको दिखाती हूँ। कह रहा था बाबा जो है ना वो अपना जो पावर बैंक है वो अपने पास उनको मुश्किल होती है, तो उसने ना एक प्लास्टिक जो ग्लास नहीं होता डिस्पोजेबल, उससे टेप लगा के उसको कट करके बीच में से ऐसा होल बनाया कि बाबा जो है यहाँ पर पावर बैंक रख सकते हैं। वाह इब्राहिम बहुत बहुत क्रिएटिव माइंड है जी। बात इब्राहिम से भी कुछ बातें हो गई और मुझसे भी बातें हो गई, तो बातें नहीं ख़त्म होनी है, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और किचन में लेके चलते हूँ कि कैसे फ़िश बनानी है और फ़िश की क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे मुझे। हम फ़िश को डीप फ्राई भी करेंगे और जो भी जो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी, मिस नहीं करना मेरी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर तो बनता है यार, इतना 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 मुझे सपोर्ट चाहिए, और इतनी प्यार है ना मुझे अपनी फैमिली से, थैंक यू सो मच जो मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू। चलें किचन में लेके चलती हूँ। फिश की मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिया एक बाउल। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी बेसन, बेसन तकरीबन ले लें हम लोग 2 कप, ठीक है जी, या आप 1.5 कप भी ले सकते हैं क्योंकि बेसन से जो है वो बहुत अच्छा जायका आता है। 1.5 कप बेसन, 1 कप मैदा, ठीक है जी, तकरीबन ये 1 कप मैदा इसमें चला गया। अब जाएंगे
टू एग्स यानी कि दो अंडे, होल एग फुल लेने हैं आपने, ठीक है। योक्स भी इनकी यूज करनी है हम लोगों ने। ये गया दूसरा। अब इसमें जाएगा मसाले, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून जिंजर पाउडर और 1 ही टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक और जिंजर पाउडर नहीं है तो आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, ठीक है जी। सॉल्ट हसबे ज़रूरत, मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। लास्ट में हम इसको ऐड कर देंगे इसमें फूड कलर यानी कि येलो फूड कलर, ठीक है, इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी, पानी जो है हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमने सिर्फ इस मिक्सचर को थिक ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं होने देना, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है इसका कि मिक्सचर जो है वो आपका पतला हो, ज़्यादा मोटा घना या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मेरीनेशन के लिए एक चीज़ मुझे याद नहीं रही थी, लेमन डालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जाएगा, ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं हम मिक्स। अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो है हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है फिश की। फिश की मैरिनेशन जो है वो रेडी हो चुकी है। फिश मैंने ली है पम्फलेट, आप कोई भी फिश ले सकते हैं, आप देख लें। और मैंने थोड़े कट लगवा लिए थे इनसे, इससे बहुत अच्छा जो है ना बीच में आप मसाला अच्छे से जज्ब हो जाता है। और फिश को धोने का ये तरीका है, जब मैं फिश लाई थी तो उस पर ऑलरेडी एक मसाला लगा होता है जिसको हम वॉश करते हैं, अगर वो मसाला नहीं लगा तो आप घर में सिंपल नमक और अजवाइन से इसको धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं अच्छे से। 3-4 दफ़ा थॉरली वॉश करेंगे, इसकी जो स्मेल होती है अपनी जो थोड़ी इरीटेटिंग होती है वो चली जाती है, गायब हो जाती है अच्छे से। मैंने इसको खुश कर लिया, आप देख सकते हैं तकरीबन ये 2 kg पॉम्फ्रेट फिश है, छोटी फिश होती है, इसमें बहुत अच्छा जायका होता है। जो भी फिश आपको अवेलेबल है, मसाला सबके लिए सेम ही होता है। अब हाथों की मदद से इसको हम मसाले को इसके ऊपर लगाएंगे। मसाला जो है थिक ही रखना है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा लिक्विडी नहीं लगना, ठीक है जी। थोड़ा सा हाथों का यहाँ यूज़ होगा, ये जो कट है इनके दरमियान भी कोशिश करें कि मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए, ठीक है जी। तकरीबन इसको हम 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर तो मौसम ठंडा है बहुत ज़्यादा तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तकरीबन 4 घंटे हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। फिश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं, साथ मैंने घी को मेल्ट कर लिया है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। ये बहुत ख्याल रखना है आपने कि घी जो है वो अच्छे से गर्म हो, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करें, इसको अच्छे से हमने गर्म करना है। उसके बाद हम जब फिश डालेंगे तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर ले आएंगे इसको जी। अब एक एक करके हम फिश को ऐड करेंगे। फिलहाल मैं 2 ही ऐड कर रही हूँ। एक तरफ से तकरीबन फ्राई करते हुए मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको जो है टर्न कर रही हूँ। फ्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त थी फ्राई हो गई है। दोनों को हम इसी तरह निकाल लेते हैं। फिश बिल्कुल रेडी हो गई है और ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया और खुशबू भी आई आ रही है। सॉस भी इसके साथ तैयार है, खट्टी मीठी सी सॉस बनती है इसके साथ, ये भी इंशाल्लाह मैं कभी आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत सिंपल डिप होती है इसकी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, मेरे स्टाइल में मैंने आज फिश जैसे बनाई है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी।
जी रेसिपी कंप्लीट हो गई है और बहुत ज़बरदस्त सी फिश बनी है, और यकीन मुझे भी नहीं आ रहा कि ये मैंने बनाई, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। देखने में तो बहुत अच्छी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है अपनी रेसिपी अपने किचन में। और सबसे जो है वो तारीफ़ें लिया करें, और खाने के ज़रिए, वो कहते हैं ना किसी पे हुकूमत करनी है तो खाने पेट के ज़रिए जाएं। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि सिर्फ ये मेल हजरात के लिए नहीं ये जुमला मशहूर, ये वाकई अगर लेडीज़ को भी आपने अपना गर्विदा करना है तो आप खाने के ज़रिए उनको अपना प्यार बांट सकते हैं और उनको अपना गर्विदा कर सकते हैं। तो रेसिपीज़ तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, छोटे से व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बिल्कुल 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 फ्री में ये होता है, ऐसे ही है, फ्री में होता है, यकीन करें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी प्यारी सी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोग कह रहे होंगे कि ये देखें जरा बहन बना दिया, तो बहन हो ना, चलें बड़ी बहन से ही, आप लोग मेरे छोटे से ही, जो भी मुझसे बड़े हैं मुझसे छोटे हैं, वैसे मैं अभी जवान मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।